नान, बटर नान या फिर स्टफ नान, और साथ में पनीर बटर मसाला या चिकन मसाला। खाते खाते ना हम लोग बोर हो चुके हैं, तो चलिए कुछ नया स्टाइल के साथ और नए फ्लेवर के साथ हम लोग नान को कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैं ये 4-5 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश करके रखी हूँ। तो अब चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो ये इसमें मैं 1 स्पून के लगभग तेल ली हूँ और ये गरम हो चुका है। तो अब इसमें ये गोटा जीरा, 1 स्पून गोटा जीरा डालूंगी। उसके बाद ये थोड़ा सा ग्रीन चिली और इसके साथ में ये चॉप ऑनियन। फिर इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है और अब इसमें 3 टेबल स्पून ये राइस डस्ट, और फिर इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है, नहीं तो ये कच्चा रहेगा ना, तो कच्चेपन का स्मेल आएगा। तो इसलिए ये राइस डस्ट को हम लोग अच्छे से थोड़ा फ्राई करेंगे। तो अब देखिए ये फ्राई हो चुका है और अब इसमें ये 1 स्पून के लगभग टमेटो सॉस और फिर ये नमक, मैं 1 स्पून नमक दे रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर अब इसे हम लोग मिला लेंगे अब। और अब इसमें ये मैगी मसाला, तो ये मैगी मसाला मैं 5 रुपए का जो मैगी का पैकेट आता है ना, उसके पैकेट से वही एक पैकेट का मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसे अच्छे से हम लोग को मिला लेना है। अब ये मसाला फ्राई हो चुका है और अब इसमें ये बॉयल्ड आलू, उसे हम लोग मिला देंगे। तो देखिए ये बॉयल्ड आलू ले लिए हैं और अब इसे हम लोग मसाले के साथ अच्छे से मिला के फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है और अब चलिए इसे हम लोग साइड कर लेते हैं। आलू फ्राई हो चुका है और चलिए फिर अब हम लोग टिकिया बनाने के लिए मैदा के बैटर को रेडी कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं ये 4 टेबल स्पून मैदा ली हूँ और ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और अब इसमें थोड़ा सा पानी देके एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मतलब 1/4 स्पून नमक डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए। आलू भी फ्राई हो गया और बैटर भी रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम लोग टिकिया रेडी कर लेते हैं। टिकिया रेडी हो गया है, तो मैं टिकिया राउंड शेप में रेडी की हूँ, आप लोग चाहें तो कोई और शेप में भी टिकिया को रेडी कर सकते हैं। और फिर अब हम लोग इसको इस मैदे के बैटर में डिप करेंगे और उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसे ब्रेड क्रम्स में लपेट के सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी आप लोग करके टिकिए को रेडी कर सकते हैं। तो तेल गरम हो चुका है और अब हम लोग टिकिया तेल में डिप करके उसके बाद इसे फ्राई कर लेते हैं। सारे टिकिए रेडी हो चुके हैं, दोनों साइड से ये अच्छे से पक चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग इसे प्लेट में साइड कर लेते हैं। टिकिया रेडी हो चुका है और अब चलिए हम लोग नान बनाएंगे। तो आज हम लोग इंस्टेंट नान बनाएंगे। तो नान बनाने के लिए मैं पहले 1 कटोरी मैदा ली हूँ और उसमें 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, साथ में 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 स्पून चीनी, और फिर लास्ट में हम लोग नमक डालेंगे। तो नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दही, जो कि नान में हम लोग दही को मिलाते हैं। तो 1/2 कटोरी हम लोग दही लेंगे और फिर इसे मिक्स करके एक अच्छे से डो रेडी करेंगे। डो रेडी हो गया है और अब हम लोग हाथ में वाइट रिफाइंड ऑयल 1/2 स्पून लेंगे और फिर इस ऑयल को हम लोग डो के साथ मिला के अच्छे से फिर से एक बार गूंथ लेंगे। नाउ डो इज़ रेडी
और अब हम लोग इसे 15 से 20 मिनट तक ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोग लोई काटेंगे और फिर इसे लंबे शेप में बेल लेंगे। और बेलने के बाद चलिए अब हम लोग इसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए तवा गर्म हो चुका है और अब इसे हम लोग इस पे तवे के ऊपर रख देंगे इसे और फिर इसे सेक लेंगे। तो नॉर्मली हम लोग नान बनाते हैं तो एक साइड पानी लगाते हैं उसके बाद तवे पे रखते हैं, मगर इस रेसिपी के लिए हमें ऐसा नहीं करना है, सिंपल हमें सेकना है। तो ये देखिए एक साइड से सिका चुका है, बहुत अच्छे बबल्स उठ चुके हैं। तो अब चलिए इसे हम लोग पलट के दूसरे साइड भी सेक देते हैं। तो ये दूसरे साइड भी सेका गया है। तो ये देखिए ये किस तरह से दोनों साइड से सेका चुका है। तो ऐसे ही हमें सारे नान को रेडी कर लेना है। नान के ऊपर लेयर लगाने के लिए मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून मायोनीज ली हूँ और इसके साथ मैं 1 टेबल स्पून टमेटो सॉस लूँगी। तो अगर आप लोग टमेटो सॉस ना यूज़ करना चाहें तो आप लोग इसके जगह पे सिजुआन सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसके पेस्ट को रेडी कर लेंगे। अब हम लोग ये जो पेस्ट रेडी किए हैं उस पेस्ट को नान के ऊपर डाल के इसके लेयर लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग चारों तरफ इसे स्प्रेड करके इसके लेयर एक पेस्ट के लेयर ले लेंगे और फिर ये एक शिमला मिर्च रिंग साइज में मैं काट के रखी हूँ, शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च, आप लोग कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ऑनियन रिंग और फिर ये आलू की टिक्की जो कि हम लोग रेडी किए थे, इसे रख के और फिर इसे इस तरह से रैप कर लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग सारे रैप को रेडी कर लेंगे। और अब हम लोग इस तरह से एक टोस्टर मतलब ग्रिल पैन लेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डाल के फिर इसे गरम कर लेंगे। और फिर इसे हम लोग जो रैप रेडी किए हैं उसको हम लोग इसके ऊपर रख के सेक लेंगे। और अब ये पैन गरम हो चुका है तो अब हम लोग इसको रैप को इसके ऊपर रख लेंगे और फिर हल्का सा प्रेस करके इसे हम लोग दोनों साइड से सेक लेंगे। ये दूसरे साइड से भी सेका चुका है तो ये रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम लोग सारे रैप को रेडी कर लेंगे। और अब चलिए हम लोग इसकी प्लेटिंग करते हैं। नाउ इट्स रेडी टू ईट एंड वी विल सर्व विथ मायोनीज और मायोनीज सॉस। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।